यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बॉल है इस व्यक्ति के पास में, इस जो कार्टून है इसके पास में है तो समीप में है, और दूर है तो दूर में। तो यहाँ पे समीप है इसका मतलब होता है पास में, और दूर यानी दूर में। तो हम अब कुछ और प्रयोगों को देखेंगे इस कक्षा में। अभी हम पुल्लिंग सर्वनामों को पढ़ेंगे। सो और एसो, सो का अर्थ होता है वह और एसो का अर्थ होता है यह। सो मतलब वह, जब उच्चारण करेंगे तो कोई वस्तु कोई व्यक्ति हमसे दूर हो, क्योंकि पुल्लिंग सर्वनाम की बात हम कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति कोई भी पुरुषवाचक शब्द या वो वह वस्तु या व्यक्ति या जो भी कुछ है वो जब दूर होगा तो सो कहेंगे, और जब वह पास में होगा तो एसो कहेंगे। सो के आगे जब ए लगा देते तो एसो होता है, एसो का अर्थ है यह, यह मिस पास में, और सो यानी दूर में। तो इस एक चार्ट चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कि सो और एसो, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बताया जा रहा है कि सो यानी दूर है तो सो बालक हो, ये बालक है दूर है इसलिए सो बालक, यहाँ ऊपर लिखा है दूरे तो दूर है तो सो बालक हो, और पास में है तो एसो बालक हो, दूर रहता है तो सो बालक को ऐसा कहेंगे, और समीप में है तो एसो उड्ढो, दूर है तो सो बालक हो पास में है तो एसो उड्ढो। उड्ढो का मतलब होता है वृद्ध, जो व्यक्ति वृद्ध है उसको हम उड्ढो कहा कहते हैं। इसी तरह से सो वानर हो एसो सिंह, पास में है तो एसो, दूर है तो सो। इसी तरह से सो राजा, दूर है तो सो राजा, और पास में है तो एसो याचक हो, इस तरह से हम कहेंगे। इसी तरह से सो सुको, दूर है तो सो सुको। आप देख रहे हैं, आप हाथ की उंगली से बताया जा रहा है कि सो यानी दूर में है सो, और जब यदि पास में है तो बताएंगे कि भाई यही है पास में ही है, जैसे मेरे पास में कोई हो तो यहाँ पास में है ऐसा बताएंगे, दूर रहेगा तो हम बताएंगे कि वो है। तो इसी तरह से सो का अर्थ होता है वह यानी दूर है तो, और पास में है तो एसो कहेंगे। तो आप मेरे साथ ये उच्चारण कीजिए, सो बालको एसो उड्ढो, ये पास में है तो पास वाले ये है और दूर वाले ये चित्र है। तो सो बालको एसो उड्ढो, सो वानरो एसो सिंहो, सभी उच्चारण कीजिए, सो राजा एसो याचको, सो सुको एसो मोरो। इसका अर्थ आपको पता नहीं भी चलता होगा तो चिंता न करें, अग्रिम स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा, वैसे चित्र से आप समझ ही रहे होंगे। जब कोई व्यक्ति दूर स्थित हो तो उसे सो कहते हैं, जैसे सो साधको वह साधक, सो पुरुषो वह पुरुष, सो आचार्यो वह आचार्य, सो गायको वह गायक, सो कलाकारो वह कलाकार। इसी प्रकार समीप के व्यक्ति को एसो कहते हैं, एसो प्रफुल्लो यह प्रफुल्ल, समीप में है तो एसो, एसो उपासको एसो भिक्खु, एसो धम्मपालको एसो अशोको एसो नटो। तो आप समझ गए होंगे, दूर व्यक्ति है तो सो कहेंगे, पास में है तो एसो कहेंगे। तो सो साधको सो पुरुषो सो आचार्यो सो गायको सो कलाकारो, दूर होने पर, और पास में है तो एसो प्रफुल्लो एसो उपासको एसो भिक्खु एसो धम्मपालको एसो अशोको एसो नटो, इस तरह से समीपस्थ को हम इस तरह से उच्चारित करेंगे। तो इनका उच्चारण आप भी सभी लोग जरूर बोलते जाइए, क्योंकि हमने पहले भी बताया था आपको कि सुनना बोलना लिखना और पढ़ना, ये चारों चीजें भाषा सीखने में जरूरत पड़ती है, आप उसका उच्चारण जरूर कीजिएगा। इसी तरह से अब हम स्त्रीलिंग शब्द सर्वनाम की ओर जाएंगे। यह भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सा और ऐसा, सा का अर्थ होता है वह यानी दूर होने पर, और ऐसा यानी यह समीप होने पर। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, यहाँ पर दूर के चित्र सामने दिए गए और समीप के चित्र पास में। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझिए, सा बालिका यानी वह बालिका है, और ऐसा उड्ढा यानी यह वृद्धा है समीप में है तो। तो सा बालिका बोलिए आप, ऐसा उड्ढा इसी तरह से बोलिए, सा अध्यापिका ऐसा वेज्जा, वेज्जा का मतलब होता है वैद्या, वैद्या यानी चिकित्सक, डॉक्टर को वेज्जा कहते हैं। सा मक्खी का ऐसा अजा,
अजामिस बकरी। इसी तरह से सा कली का ऐसा माला, तो इस तरह से सा और ऐसा का प्रयोग होता है। सा का मतलब होता है वह और ऐसा का मतलब होता है यह। सा का प्रयोग दूर के लिए करेंगे और ऐसा का प्रयोग समीप के लिए करेंगे। जब कोई शादी का दूर स्थित हो तो उसे पाली में सा शादी का कहा जाता है। सा शादी का, सा महिला, सा गायिका, सा बालिका, सा नटी, इस तरह से ये दूर हो तो सा कहेंगे महिला को स्त्रीलिंग में, और यदि पास में हो तो ऐसा कहेंगे। ऐसा का अर्थ होता है यह, ऐसा उपासिका, ऐसा भिक्खुनी, ऐसा सुजाता, ऐसा धम्म सेविका, ऐसा माधुरी, ऐसा तिस्सरक्षिता, इस तरह से ऐसा का प्रयोग करेंगे तो यह अर्थ आएगा और सा का अर्थ होगा वह। तो आपको यह स्पष्ट हो ही चुका होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नपुंसक लिंग के सर्वनामों को। तंग और एतंग, तंग का अर्थ होता है वह और एतंग का अर्थ होता है यह। आपने पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति के बोधक होते हैं यह जाना है, और उसमें ओ लगता है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता, ये स्त्री जाति का बोधक करवाते हैं। और नपुंसक लिंग इन दोनों से भिन्न तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि तंग फलंग यानी वह फल, और एतंग पुष्पंग यानी यह पुष्प। तो इस तरह से यह बहुत ही सरल है। कुछ उदाहरणों को हम बोलेंगे, आप भी उच्चारण करते जाइए। तंग नेतंग एतंग कण्णंग, तंग नेतंग एतंग कण्णंग, तंग पोथकंग एतंग यानंग, तंग धनंग एतंग पन्नंग। ये पर्ण यानी पत्ता होता है, धनंग यानी धन, पोथकंग यानी होता है पुस्तक। बाकी आपको आप जान ही गए हैं, इतना चित्र से यह स्पष्ट है। अब हम तंग एतंग के बारे में जानेंगे। दूर के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले तंग सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। तंग कमलंग यानी वह कमल, तंग नगरंग वह नगर, तंग घरंग, तंग जलंग, तंग धनंग। इसी तरह से समीप के लिए एतंग का प्रयोग करेंगे। एतंग तीरंग, एतंग फलंग यह फल, एतंग रथंग यानी यह रथ, एतंग आसनंग, एतंग हृदयंग, एतंग मुखंग। इस तरह से हम तंग और एतंग का प्रयोग करते हैं। सो और एसो में हम देखेंगे, सो एसो, सा एसा, तंग एतंग। तो सो सा और तंग ये दूर के लिए प्रयुक्त हो गए। हाँ, एतंग बुद्धान शासनंग में यह बुद्धों का शासन है, यह बिल्कुल आपने बहुत अच्छा लिखा है इस कमेंट बॉक्स में एतंग। इसी तरह से आप देखेंगे ये जो हम जो भी कुछ अभी पढ़ रहे हैं, जिन जिन भी शब्दों को पढ़ रहे हैं, आने वाले कुछ पाठों में आप देखेंगे कि ये सारे हमारे परित में, हमारे सूक्तों में, हमारे गाथाओं में बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएंगे। और आपको लगेगा कि हम कोई नई भाषा नहीं सीखे, बल्कि ये हम पहले से जानते हैं। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आने वाले 10 पाठों तक बहुत ही दिलचस्पी से, बहुत ही ध्यान देकर इन सभी पाठों को आप सीखिए, ध्यान से सीखिए। और आप देखेंगे कि आने वाले 12, 13, 14 पाठों तक आप तो आपको ऐसा लगेगा कि अब हमें समझ में आने लगी पाली भाषा। हाँ, तंग मामा घरंग, बिल्कुल वह मेरा घर, यह बहुत अच्छा, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो एतंग और तंग को आप, तंग और एतंग को जाने, सा और ऐसा को जाने, और सो और ऐसो को आपने जाना।